वालेकुम, नमस्ते, आदाब, कैसे हैं आप सब? तो 4:15 का टाइम हो रहा है और हम आ गए थे किचन में अफ्तार बनाने के लिए। तो अफ्तार में आज बन रहा है ये शाही गोश्त, ये बन रहा है और बनेगा। मैंने ये आलू बॉईल करके रखे हुए हैं, इसके कचालू बनाएंगे और ये आगे रखा है, अभी इसका क्या बनाएंगे जब बनेगा तब देखिएगा। और बस शक्कर घोल के रख दी है क्योंकि बनेगा आज लपसा, कल बन चुका है रसना। तो चलिए पहले शाही गोश्त को जल्दी से तल लेते हैं, तेल गर्म हो जाए इसे। और मैंने यहाँ पे चाशनी भी बना के रखी हुई है और एक आलू भी हम काटेंगे जिसकी हम बनाएंगे पकौड़ियाँ। तो चलिए जल्दी जल्दी बना लें क्योंकि 4:10 हो चुके हैं। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम ये डालेंगे धीरे धीरे और पकाएंगे। वैसे तो हम असर की नमाज़ पढ़ के आते हैं किचन में, करीब 4:15 के थोड़ा सा आज हम जल्दी आ गए क्योंकि आज हमें कई चीज़ें बनानी है ना, तो थोड़ा सा हम जल्दी आ गए हैं। वैसे हो जाता है ना, अफ्तार तक हो जाता है, बट हॉल रहती है ना कि सब कुछ टाइम पे हो जाए, सबको सब कुछ टाइम पे मिल जाए। तो यहाँ पे ब्रेड हमने तलना शुरू कर दिया है और ये ब्रेड के मैंने पॉकेट टाइप का बनाया, देखिए इस तरीके से इसके पॉकेट जो है ना, इसमें हम रबड़ी या मलाई जो भी होगा वो भरेंगे। तो उसके बाद जब मैंने सारे पॉकेट तल लिए, फिर मैंने उसको चाशनी में डिप कर लिया। उसके बाद मैंने आलू छील लिए थे, इसमें अब हम मसाले बना रहे हैं, मसाले डाल रहे हैं। वो जो मैंने मसाला बनाया कचालू वाला वो डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा पिचकू डालेंगे, नमक डालेंगे, थोड़ा सा नींबू डालेंगे और हरी धनिए से सजा देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं रूअफ़ज़ा आज बनेगा घर में, तो रूअफ़ज़ा हम बनाने जा रहे थे तो आज शरबत में बनेगा रूअफ़ज़ा। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, आज हम शावरमा बना रहे थे तो उसकी स्टफिंग की जो तैयारी थी वो हमने सुबह में कर ली थी। तो यहाँ पे पनीर, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च और बहुत ढेर सारे सॉस वगैरह सब कुछ मिला के मैंने स्टफिंग तैयार कर ली है और एक मैंने यहाँ पे सॉस भी बनाया हुआ है। तो बस यहाँ पे मैंने जो ये मैदा है इसको गूंद के सुबह में ही रख दिया था, अब इसके हम पतले पतले पराठे टाइप के बनाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पर सॉस बनाया है उसको पराठों में लगाएंगे और जो ये पनीर की स्टफिंग मैंने बनाई है इसको बीच में रख के इसको रोल कर देंगे और ये शावरमा बन के बिल्कुल रेडी जाएगा। आप चाहें तो चिकन का भी बना सकते हैं, चिकन का तो बहुत टेस्टी लगता है, बट लेकिन मैंने आज यहाँ पे पनीर का शावरमा बनाया है। उसके बाद यहाँ पे शाही टोस्ट जो थे ना उनके पॉकेट में ये हम रबड़ी भर देंगे। और क्या हुआ ना, हमने तल लिया, अगर तलने के फौरन बाद आप इसको भरेंगे तो आसानी से भर जाता है रबड़ी इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो गया तो ये पॉकेट बंद हो गए, चिपक गए तो वो खुल नहीं रहे थे। तो मैंने इसी तरीके से बना लिया, फिर उसके बाद हमने उसको चिरौंजी से सजा दिया। आप चाहें तो नारियल का बुरादा भी सकते हैं। और हमने पकौड़ी में बनाई थी आज आलू की पकौड़ी, क्योंकि कल बैगन की बन चुकी है, फिर उससे पहले प्याज की बन चुकी है, तो पकौड़ी की जो रहती है ना वो हम डेली के डेली चेंज करते हैं, सेम पकौड़ी डेली नहीं बनाते, कुछ ना कुछ चेंज किया करते हैं। तो अफ्तारी मेरी लग गई थी और अफ्तार हमने सब लोगों ने कर लिया, वो मैंने शूट नहीं किया अफ्तार का वीडियो। फिर अफ्तार करने के बाद 2-4 मिनट बैठे, उसके बाद हम आ गए थे किचन में। किचन मेरा बहुत ज़्यादा फैला था तो जितने धुलने वाले बर्तन थे सबको सिंक के साइड कर रहे थे, जो अफ्तारी में थोड़ा बहुत बच गया है उसको रख रहे थे ढक के, और जो मतलब चाय वगैरह थी वो सब, अगर देखना है चाय हस्बैंड को चाहिए रहती ना इस टाइम तो उनके लिए बनाएंगे। बस तो यहाँ पे वही हम काम किचन में कर रहे थे, समेटने वाला, और मगरिब की नमाज मैंने पढ़ ली है। तो चलिए फटाफट बर्तन धोते हैं, उसके बाद मैंने किचन को अपने पूरा का पूरा क्लीन कर दिया। मैंने बर्तन धोए, गैस साफ की, सब कुछ मैंने अच्छे से किचन को अपने क्लीन कर दिया। हम हमेशा रात में ही किचन को अच्छे से क्लीन कर देते हैं। उसके बाद कल है फ्राइडे और आज हमें जो ना थर्सडे है, तो हम शाम में ही बेडशीट वगैरह चेंज कर देते हैं, सुबह में नहीं करते, तो शाम में ही हम बेडशीट वगैरह चेंज कर देते हैं। और यहाँ की मैंने चेंज की रूम की, फिर उसके बाद दीवान की चेंज की, और अपने दीवान से ही मुझे चादर वादर निकालनी रहती है तो वही सब हम निकाल रहे थे। दोनों जगह की बेडशीट भी हम चेंज कर देंगे। और ये मेरा बेटा हर दम आगे पीछे मेरे लगा रहता है, कभी इधर कभी उधर, तो साथ साथ ही रहता है। उसके बाद ये बोला, मम्मा मुझे भी आपकी हेल्प करनी है। तो यहाँ पर हम शीट चढ़ा रहे थे और उसको मैंने पिलो कवर दे दिए कि बेटा आप पिलो कवर चढ़ाओ, और इत्तेफाक से मैंने उसको गलत
तकिए दे दिए उस पर चढ़ाने के लिए, उसने कवर चढ़ा दिए। उसके बाद देखा मैंने, अरे ये तो गलत थे, तो उसने फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। तो बस मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी। उसके बाद यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन भी अपनी लगा ली, बेडशीट वगैरह मैंने डाल दी है, रात में ही वॉश हो जाएगी और रात में ही फैला दो ना तो सुबह तक अच्छे से सूख जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम फ्रिज को क्लीन करने आ गए थे। फ्रिज में क्या होता है ना, अफ्तार के बाद इतना जल्दी जल्दी सब सामान रख दिया जाता है, फिर उसके बाद हम जब नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं मगरिब की, तब फ्रिज को अपने देखते हैं, इसको साफ़ करते हैं, कुछ ख़राब चीज़ें जो होती हैं उनको हटाते हैं। वैसे तो अफ्तार से पहले ही सब हम हटा देते हैं, और यहाँ पर हम अपने हस्बैंड से बात कर करके ये वीडियो बना रहे थे। तो जो सब्ज़ियाँ थी उनको हम चेक कर रहे थे क्या है क्या नहीं है। तो मैंने परवल निकाले, उसके बाद मैंने यहाँ परवल अच्छे से वॉश कर लिए हैं, इनको हम सैरी में बनाएंगे। तो अभी हम लेटने से पहले परवल को काट लेंगे। तो परवल मैंने अच्छे से धो के रख दिए हैं, और देखिए यहाँ पे चल रहा है गेम, यूनो चल रहा है, ये बच्चे सब बैठे अपने पापा के साथ यहाँ पे यूनो खेल रहे हैं। इन लोगों के रोज़ का काम है, इस टाइम ये लोग यहाँ पे यूनो खेलते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये लोग नमाज़ पढ़ चुके हैं ईशा की, लेकिन मैंने अभी नहीं पढ़ी है। फिर हमने ईशा की नमाज़ पढ़ी, फिर अपने लिए बनाई एक कप चाय, क्योंकि हस्बैंड ने मना कर दिया कि हम चाय नहीं पियेंगे, तो हमने सिर्फ अपने लिए एक कप चाय बनाई। फिर अफ्तार वगैरह जो बचा था वो सब लगा दस्तखान पे, और अभी टाइम हो रहा है 9:30 का टाइम हो रहा है, और हम लोग यहाँ पे जो बचा है ना ये सब इसको खाएंगे चाय के साथ, और डिनर आज भी हो गया है पोस्टपोन। अब ये है सहरी का टाइम, और बच गए हैं 4, और हम 3:30 बजे उठ गए हैं, लेकिन हम ये शूट आपको दिखा रहे हैं 4 बजे। और उसके बाद फ्रिज में से थोड़ा सा सामान हमको निकालना था, वो सब मैंने निकाला, और हमने जो ना परवल की सब्ज़ी आज बनाई है सहरी में, और हम रोटी बनाएंगे। तो परवल की सब्ज़ी मैंने बघार दी थी 3:30 बजे, और आटा वगैरह जो था वो सब भी मैंने सेट कर दिया था, लगा लिया था। तो देखिए ये सब्ज़ी बन रही है, और बच्चों को पसंद है परवल की सब्ज़ी। हस्बैंड के लिए मैंने एक अंडा भी बना दिया था। तो यहाँ पे हमने रोटी बनाना शुरू कर दिया था, और हमने मोबाइल को ट्राईपॉड पे नहीं लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा शूट नहीं करना था। तो बस यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना ली हैं, और सब ने सहरी खा ली है, और उसके बाद हमने हस्बैंड के लिए बनाया दूध, और उनको खजूर के साथ दूध दिया। उसके बाद हमने कुरान शरीफ पढ़ा, क्योंकि अभी टाइम था काफ़ी सहरी में अज़ान में, तो हमने थोड़ी देर कुरान शरीफ पढ़ा। अज़ान जब हो जाएगी तब नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये व्लॉग जो है ना मैंने कल अफ्तार से स्टार्ट किया था, और सहरी हो गई है, तो ये काफ़ी लंबा व्लॉग मेरा बन गया है। और उम्मीद है कि आपको मेरे जो ये व्लॉग हैं रमज़ान वाले ये पसंद आ रहे होंगे। अगर अच्छे लगते होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर उसके बाद हम लोग सुबह, एक सुबह का टाइम है, तो रात में मैंने बेडशीट वगैरह धोई थी, उनको मैंने रात में ही छत पर फैला दिया था, तो यहाँ पर हम वही उतार रहे थे, मेरी बेडशीट अच्छे से सूख गई। उसके बाद आज मुझे पेड़ों में पानी डालना था, क्योंकि इधर आजकल हम 2 दिन के गैप पे पेड़ों में पानी डाल रहे हैं, तो पेड़ मेरे बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं अगर 2 दिन पानी ना डाली, क्योंकि धूप इतनी तेज़ छत पे होती है कि पेड़ की जो मिट्टी होती है ना वो सूखी सूखी लगने लगती है। तो यहाँ पर हम पेड़ों में पानी डाल रहे थे, और मेरे पेड़ ना जब ठंडक का मौसम होता है तो बहुत अच्छे होते हैं, और गर्मियों में ये बहुत जल्दी जल्दी सूख जाते हैं। उसके बाद हमने अपने बेटे के लिए बनाया चोको फिल, सुबह का टाइम है और हम लोग उठ गए थे 9:30 के करीब हम उठ गए थे, उसके बाद मैंने उसको चोको फिल्स दिया। तो चलिए इस वीडियो को अब और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज है जुमा, रमज़ान का पहला जुमा, और हम अभी इस वीडियो को एंड करने के बाद इंशाल्लाह जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद नया वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, और दुआ में याद रखिएगा।